अस्सलाम वालेकुम हमारे फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी फ्रेंड्स ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह, कामरा भी ठीक है, बच्चे भी ठीक है। अल्लाह पाक सबको ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, हंसता और मुस्कुराता रखे अपनी फैमिली के साथ। अल्लाह पाक साहब की दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानी दूर करे, जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती और शफा दे, जो लोग बे औलाद है अल्लाह पाक उनको प्यारी सी औलाद से नवाजे, जो बेटी की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक को बेटी दे, जो बेटे की ख्वाहिश रखते हैं अल्लाह पाक को बेटा दे। अल्लाह पाक साहब की दिल की ख्वाहिश पूरी करे, आमीन। जो लोग कारोबार से परेशान हैं अल्लाह पाक उनके कारोबार में बरकत दे, अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे और सब बच्चों के मकदर अच्छे करे। अल्लाह पाक जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में अला मुकाम अता फरमाए। अल्लाह पाक माँ बाप का साया बच्चे के सर पर सलामत रखे, अपनी जुबान में रखे। मेरी प्यारी फैमिली के बहुत सारे कमेंट्स हैं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारी दुआएं हैं। ऑल फैमिली के लिए लव यू, प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, मेरे लिए दुआ करते हैं, फैमिली के लिए दुआ करते हैं, खुश होते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार का, मोहब्बत का। यहाँ पर मैंने अपना ब्लॉग कर दिया स्टार्ट, जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के फैसला करें, तमाम मेरी वीडियोज़ आपके पास आती रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। दो हमें याद रखे। आज मैंने लगा लिया जी मशीन लगा लिया जी, लाइट चली गई थी, अभी स्टार्ट ही की थी तो लाइट चली गई, दो घंटे के बाद आई है लाइट। तो फिर मैंने रूम की सफाई वगैरह की, मेंटेन की। चले मैंने कहा कि अपना मशीन लगाते हैं, कपड़े वगैरह वॉश करते हैं, जो भी एक्टिविटी होती है आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ पर भी सारी मैंने रूम की सफाई वगैरह की, तो बच्चे सोए हुए अभी यान रिहान सुबह उठे थे, नाश्ता वगैरह करके भी सो गए दोबारा। आज संडे थी, मुझे भी छुट्टी थी, आज संडे ऑफ था इसलिए मैंने भी छुट्टी की, इंजॉय नींद पूरी की। और अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, अभी खाना वगैरह तो कुछ नहीं खाया पिया, तो काम शाम लग गई, तो काम शाम करते हैं फ्री होके, फिर खाना वगैरह खाते हैं, जो भी एक्टिविटी होती शेयर करते हैं, इससे पता चल जाता जब मैं आऊँ। चलो चलो जी, मशीन में मैंने डाला पानी शानी, मुझे कपड़े डाले हुए हैं, चलते हैं बाहर। चलो जी चलते हैं बाहर, यहाँ से करते हैं लाइट ऑफ, भाई चलते हैं। और भाई साहब कामरा साहब सो गए थे, आँख लग गई थी थोड़ी देर के लिए क्योंकि लाइट जो चली गई। तो जनाब जी हाँ जी क्या हाल है? मैं गई थी, मैंने देखा फिर सो गए जी, बैठे बैठे नींद आ गई। लाइट जो गई हुई थी, मैं तो पूरी दौड़ भज मेहनत ना लाया सी, मगर सुस्ती ऐसी फिर पै गई, फिर लाइट चली गई, और लाइट बेटाइमी लाइट गई सी। हाँ बेवाड़ी तो मैंने ना मशीन स्टार्ट की हुई है, यहाँ पे मशीन लगानी है, कपड़े वगैरह वॉश करने वाले हैं, तो बस कपड़े निकाल दिए हैं और काम अपना स्टार्ट करते हैं साथ साथ। तो अभी कुछ खाया भी नहीं है, तो भूख लगी होगी कामरा साहब को, बीबी को ना मुझे भी पहले टाइम में कुछ खिला दा। हेलो चावल है, दाल चावल रात वाले, दाल चावल रात वाले हैं, वो देती हूँ उनको पहले, थोड़े से साथ साथ मशीन लगा के कपड़े वॉश करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मंगवाए थे चने बाजार से, ये दाल है हमारे घर की, और कामरा ने कह रही है चने लिए, कामरा कह रहा बाजार से ना चने लाए, चने ला के रखे थे मेरे लिए कि नान वगैरह मंगवा के तो आस्था नाश्ता कर लेगी, तो मैंने किया नहीं, तो फिर मैंने कहा कि बाद में करूँगी, फिर मैं सो गई। अभी मशीन लगा दी है, मैंने स्टार्ट कर दी है साथ साथ, मैंने कहा कामरा कुछ दे दूँ तो बच्चे भी सोए हुए हैं, जब उठेंगे तो फिर इनका कुछ बना के दूँगी, मैं भी थोड़े से चावल खा लेती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, काम शाम हो गया ख़त्म, अब सुबह भी खाना खा रहे हैं, यहाँ पे भिंडी है, दाल है, रोटी है, बाज़ार से हमने मंगवाई है, काम शाम सारा हो गया ख़त्म, अभी हम फारग हो गए हैं। तो यहाँ पे जी दाल है, साथ में जी अचार है, ये मुझे गिफ्ट आया था, और साथ में ये जी भिंडी के साथ रोटी और खाना वगैरह खाते हैं। अभी आज ही बिस्मिल्लाह कर ले, हमारे साथ काम शाम हमारा सारा ख़त्म हो चुका है, अब हम हो चुके हैं फ्री। तो रिहान मैंने रोटी बाज़ार से लेके आया था, मेरा अभी बाजार से भी है, तो मैं जाना आज आएंगे आप आज भी मेरे सामने, इधर आज सामने सामने वो आज कपड़े साइड पे बिना ऊपर नहीं डाले, तो कुछ रूम में डालेंगे अपने वाले, तो वो जो पैंटे वगैरह है बड़े कंबल है वो भी वॉश किए थे, वो छत पे डालेंगे खाना खाने के बाद। आज भिंडी भी वो पड़ी आपके सामने, तो ये चार है, ये लिस्ट आया था मेरी स्टूडेंट ने खाई थी। तो जी फ्रेंड, खाना खाने के बाद मैं यहाँ पे बनाऊँगी चाय, और अजान अभी उठाया है, कहता मम्मा खानी है बकर खानी, तो वो मैंने रिहान से मंगवा ली थी, तो बकर खानी में चाय थोड़ी ज़्यादा जाती है इसलिए बकर खानी मंगवाई है, और ऑयल मंगवाया था, ऑयल मैंने कैन में डाल दिया। यहाँ पे मज़ेदार सी बनेगी चाय, खाना वगैरह का बहुत मज़ा आया, खाना भी खा लिया माशाल्लाह, सुबह ने भी खाना खा लिया, मैंने भी रिहान ने भी, रिहान ने दाल चावल खाए थे, मैंने रोटी खाई है, तो साथ में
भिंडी के साथ भी खाई है और दाल के साथ भी। अब यहाँ पे हम बनाएंगे मज़ेदार सी चाय, क्योंकि सुबह की चाय पीनी है, काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मशीन लगाई थी, कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा थे जो वॉश किए, तो जब मशीन वाला काम ख़त्म हो जाए ना तो फिर ये सुकून हो जाते हैं। अब हम यहाँ पर मज़ेदार सी चाय शाय इंजॉय करते हैं। थोड़ा सा नमक डालना है, थोड़ी सी दूध के अंदर ही मैंने पत्ती वगैरह डाली है, क्योंकि हम जो है ना वो अक्सर मुझे कमेंट करते हैं कि आप वो जो पानी वाली चाय है वो बनाया करें, तो सही वही तरीका है पानी वाली चाय का, लेकिन ये है कि फिर वो बच्चे नहीं पीते, इसलिए फिर ना अच्छी वाली दूध पत्ती ही पीते हैं, फिर हम वही बनाती हूँ। चलो जी यहाँ पर जी फ्रेंड्स मेरी चाय हो चुकी है रेडी, और यहाँ से पूछ लेते हैं बकरा नहीं डाल दूँ तेरी भी यहाँ सुबह मुझे डाल दो बकरा वन टू वन इसको प्याज कर देते हैं, तो जिसने खानी है बकरा खानी मुझे बता दी, इसमें पौनी उल्टी थी जान, पौनी उल्टी थी मैंने बकरी में, अजान से हो गया था उठा अभी तो कहता मम्मा मुझे बकरा खानी दे दें, जो मतलब कि ना रोटी मैं बाद में खा लूँगा, तो मैं दे रोटी खानी है, तो यहाँ पे ये रिश्ते जी नान की डालते हैं बकरा खानी ने खाने क्या डिश, मुझे बहुत ही अच्छी है ज़बरदस्त बकरा खानी है। तो जनाब हीरो साहब आपने चाय पीनी है या बकरा खानी खानी है? चाय पीनी है। चलो जी इन्होंने तो पीनी है चाय, और रिहान ने भी बकरा खानी खानी है। पहले तो सुबह आने लो बेचा गर्म है आराम से देखें खाना। चलो जी काम लगी चाय डाल देते हैं, चूल्हा बंद कर देते हैं, अभी तो दूध गर्म था, चाय मैंने छान ही दी है क्योंकि वो ना ताज़े दूध की बनाई है, अभी मलाई भी नहीं आई हुई थी, यहाँ पे ठंडा हो गया ये देखते हैं, अगर तो आ गई है तो उतार लेते हैं। मुझे चलाई आ रही है कामन की चाय, ये याम की हीरो की चाय। अच्छा बाकरानी में ना चाय ज़्यादा जाती है, तो चाय मुझे लगता है और बनानी पड़ जाएगी बाद में, रिहान के लिए आएगा ना फिर उसको बना के देती हूँ, बस ठीक है मिलती है और ज़्यादा चाय का फिर वो तो बाकरानी का मज़ा भी आता है। आज ना काम शाम लगी, मैंने ब्लॉग भी लेट ही स्टार्ट किया और साथ साथ काम भी लगी रही मशीन लगा के ना, वो कपड़े वगैरह वॉश किए ना, इसलिए फिर मैंने खाना नहीं बनाया था, आया था फिर टेंशन कोई नहीं हुई मुझे, इसीलिए मैंने कहा जो है वही खाएंगे तो मशीन लगाएंगे। यहाँ से काम लगी चाय भी आ गई है और यहाँ नापकी भी आ गई है, आप खाएं बैठो जब ध्यान आता है तो तब मैं फिर मुझे नाती हूँ। तो जी फ्रेंड यहाँ पे मैं कमेंट पढ़ी थी अली भट्ट का, इन्होंने कहा था कि दाल की फरमाइश आपने पूरी कर दी जी, बिल्कुल आप दाल को बॉयल करके अलग से भी आप बना सकते हैं और बहुत मज़े का बना था, और रिहान ने फरमाइश की थी तो फिर मैंने बनाया और सबने बहुत पसंद किया, तो बहुत इजी है। तानिया समान का भी कमेंट आ हुआ था, तानिया समान कह रही थी कि जब मेरा ना नेट वगैरह लगा जल्दी से मैंने आपके व्लॉग फिर से स्टार्ट किए देखने के लिए, मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी, थैंक यू मेरी प्यारी सिस्टर, लव यू आपके लिए बहुत सारा, अलाबाक आपको भी खुश बादशाह और मुस्कुराता रखे। और यहाँ पर मेरी कमेंट्स बड़े बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आ गए हैं मेरे पास, रिफाकत अली ने भी मुझे हार्ट भेजा हुआ जी, थैंक यू बहुत शुक्रिया। और मेरी प्यारी सना तैयब भाई आप नवाला बहुत अच्छा बनाते हैं खाने का नवाला कामना वाके बड़ा बड़े वाला नवाला बनाते हैं फिर इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे जी माशाल्लाह से सना तैयब के कमेंट आ गए हैं जी, माशाल्लाह वेरी यमी जी आपी जी आपी अल्लाह पाक माशाल्लाह सो यमी आपी थैंक यू बहुत शुक्रिया सना, आपकी मोहब्बत है चाहत है और आपकी जान है मेरी, कुछ दिन में बेबी डिलीवरी प्लीज दुआ में इंशाल्लाह जी सना तैयब, अल्लाह पाक आपको प्यारा सा बेबी जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती वाला दे, सभी दुआ करें सना तैयबा के लिए, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाला दे और अल्लाह पाक आपकी भी सेहत तंदुरुस्ती करे, आमीन लव यू आपके लिए बहुत सारा। और जहाँ पे कमेंट आया जी ज़ीशान अहमद रोज़ चिकन खाती हैं आप जी, बिल्कुल रोज़ खाते हैं
यार क्या करें, अब बच्चे खाते नहीं हैं तो भी क्या करना है, बच्चे जो फरमाइश करते हैं मम्मा बना देते हैं। यार आपको पता कि लेट आती हूँ सलोन से घर आके, मेरी टेंशन होती है, आपको नहीं पता, आप तो हमारा इजीली व्लॉग देख लेते हैं ना, मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है सलोन जाना, जाके उधर जो भी काम शाम करना ज़ाहरा है, उधर भी मैं फारग नहीं होती, वहाँ पर भी मुझे काम होता है, कस्टमर ने आना जाना, उनसे बात करनी, लहंगे दिखाने, सो काम होते हैं करने वाले, बंदा घर आए थक जाता है, लेकिन मैं फिर भी महसूस नहीं करती, मैं इजीली काम लगी रहती हूँ। फिर चिकन वगैरह मंगवा के रखा होता है जल्दी जल्दी से। हाँ हमने कभी फ्रिज वाला चिकन नहीं बनाया, फ्रिज नहीं कभी चिकन किया मैंने, लाडो पीछे हो जा तू, कभी भी चिकन हमने फ्रीज नहीं किया, चिकन मतलब के लाना है फ्रेश वाला लाना है और बनाना है तो वो खा लेना है, मतलब कि बच्चों को जिस तरह का उन्होंने बोलना है उस तरह का हमने बना के खिला देना होता है, ये बात होती है। लाडो आ गया, लाडो को ज़रा पीछे करो, भी कमेंट्स आए हैं, मैं और कमेंट्स भी पढ़ती हूँ आपके। तो यहाँ पे जी मेरी प्यारी सिस्टर बुशा के कमेंट आए हैं, बुशा कहती है कि आप तो हमारे व्लॉग में रौनक हैं मामा, आपको हम आपके डेली व्लॉग देखते हैं और आप हमें बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत प्यारी हमें ऐसी बातें ना किया करें। और माशाल्लाह से मेरी प्यारी सिस्टर, मुझे पता है बुशरा गुजरांवाला से है और मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, कि जब मैं कोई ऐसी वैसी बात करती हूँ अपने के अपने बारे में तो ये आपकी मोहब्बत है जी। जनाब कामरा साहब बहुत रोब डालते हैं अब मेरे पे, ये भी काम करो वो भी करो, लेकिन प्यार में, प्यार से कहते हैं, गुस्से से नहीं कहते, प्यार से बंदा भी जो काम बंदा कहता है ना वो कर लेना चाहिए, लेकिन मैं सारे काम करती हूँ। अभी मैं फ्री थी, कामरा साहब लेट गया, उनको आई थी नींद, थकावट होगी, और अभी तो वैसे मैंने कामरा से ज़्यादा काम कोई नहीं लिया, कोई ज़्यादा काम नहीं लिया, बस थोड़ा सा ही लिया था, कपड़े जो मैंने वॉश किए, कामरा ने सारे कपड़े स्पिनर किए, बाकी धोए सारे मैंने ही हैं, मेहनत वाला काम ज़्यादा मेरा ही था तो वो मैंने किया। रेहान बेटे के कैसे हो, माशाल्लाह रेहान के टेस्ट बहुत अच्छे हुए और रेहान बहुत खुश है और बहुत हैप्पी है, तो मैं भी बड़ी खुश थी, माशाल्लाह रेहान के टेस्ट बड़े अच्छे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत खुश है, बच्चों को ढेर सारा प्यार फ्रॉम शहजादी मेरी, लव यू आपके लिए बुशरा। और सिस्टर लव हो गया, सिस्टर लव माशाल्लाह से, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी। और लाइफ विद रेहान, लाइफ विद राहत उमैर, थैंक यू जी मेरी प्यारी सिस्टर, और आप बहुत प्यारी हैं जी, बाल बांध के आज बहुत प्यारी लग रही हैं, थैंक यू, शुक्रिया आपकी मोहब्बत है। और शादिया मेरी शहजादी है, हमेशा की तरह बहुत प्यारा व्लॉग है और आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी चाय तो आउट क्लास है माशाल्लाह ज़बरदस्त, थैंक यू शादिया मेरी जान, लव यू आपके लिए, आपकी चाहत है, आपकी मोहब्बत है कि आप मुझे इतना प्यार करती हैं, मेरे लिए इतनी खुश होती हैं। रेहान गुज्जर अभी राजमा चावल की रेसिपी शेयर करें, रेहान गुजर इंशाल्लाह जी राजमा के चावल की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, बच्चे जो चीज़ खाते हैं ना ज़्यादातर मैं वही बनाती हूँ लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं आपके साथ ये वाली रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी, चाहे मैं थोड़ी क्यों ना बनाऊँ लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर। और मेरी प्यारी सादिया का कमेंट आ जी, माशाल्लाह सुभान बड़ा हो गया है पापा से ज़्यादा हाइट माशाल्लाह, और अल्लाह पाक की ज़िंदगी सेहत तंदुरुस्ती वाली करे, लंबी ज़िंदगी करे, आमीन, थैंक यू मेरी प्यारी सादिया, लव यू हो गया। तानिया सुमान वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप, घर में सब चेंज सब चंगी की वजह से वो लोग नहीं था, चेंज की वजह से बिल्कुल घर चेंज की वजह से वो लोग नहीं देख पाई, तो मेरी प्यारी सिस्टर आप ठीक हो गए माशाल्लाह, अब हमने मेरे डेली व्लॉग देख रहे हैं, जो छोड़े हैं वो भी देख लेना, मुझे कमेंट भी कर देना, मुझे भी अच्छा लगेगा, थैंक यू लव यू हो गया आपके लिए, बहुत सारा हदिया अहमद माशाल्लाह से, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश बात रखे, आमीन, थैंक यू मेरी प्यारी सिस्टर, लव यू आपके लिए बहुत सारा। बाकी मेरे किसका आया जी, अब्दुल्ला का कमेंट आया जी, अब्दुल्ला का कमेंट आया जी, और अब्बास का कमेंट आया जी, अब्बास अब्बास बहुत अच्छी भिंडी सालन और बर्गर ज़बरदस्त हो गए जी, भिंडी का सालन भी बड़ा अच्छा था, बड़ा ज़बरदस्त था, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अब्बास आपकी चाहत का और मोहब्बत का। और अंजुम अहमद मेरी प्यारी सिस्टर, लव यू आपके लिए, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश रखे, बुशा के फिर से कमेंट आना शुरू हो गया। और हादिया, हादिया मेरी प्यारी सिस्टर, लव यू आपके लिए बहुत सारा, अल्लाह पाक आपको भी हमेशा खुश हो, बाद ऐसा मुस्कराता रखे, अपनी जुबान में रखे, पसंद आप भी मेरी प्यारी सिस्टर, लव यू आपके लिए भी, मेरे लिए इतनी खुश होती हैं, प्रॉपर व्लॉग्स देखती हैं और मुझे प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, आपकी चाहत है, आपकी मोहब्बत है, इससे मुझे इतनी खुशी होती है, जो मुझे इतने इतने प्यारे कमेंट्स आते हैं। अली जट भाई थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का और प्यार का, जो मुझे आप इतने इतने प्यारे कमेंट्स करते हैं। और सना अहमद वाइट चावल, उसने भी वाइट चावल ही बोला,
दाल चिकन के साथ सना ने भी बोला वाइट चावल, तो रेहान ने भी वाइट चावल बोला था, तो वही बना। और ताहरा मेरी प्यारी सिस्टर माशाल्लाह 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 कहती है और बड़ी खुश होती है अपने भैया और भाभी के लिए, बड़ी दुआएं करती है और बड़ी खुश होती है। थैंक यू सो मच मेरी प्यारी सिस्टर, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बादशाह मुस्कराता रखे। और आमिर वाहिद का कमेंट है जी बेस्ट मॉम हैप्पी फैमिली। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी आपकी मोहब्बत का और आपके प्यार का, जो मुझे इतनी आप इज़्ज़त देते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक यू सो मच आपके प्यार का और मोहब्बत का। अबरार मुगल, थैंक यू, उन्होंने हार्ट भेजे हुए हैं। पसना आपी ने भी माशाल्लाह जी, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और बार मुस्कराता रखे। हादिया ने बोला वैसलाम सिस्टर घर चेंज, अच्छा उन्होंने भी घर में यहाँ से चेंज किया था, ठीक है। और सबके माशाल्लाह कमेंट्स हो गए हैं, जिनका नहीं पता तो सॉरी माजरत है। अल्लाह पाक आपको ऐसे हंसता और मुस्कुराता रखे, अपनी जुबान में रखे। अली जट भाई ने भी बड़े प्यारे कमेंट करते हैं, मेरे लिए बड़े खुश होते हैं, फैमिली के लिए बड़ा खुश होते हैं। थैंक यू सो मच आपकी चाहत का और मोहब्बत का। अभी तक रेहान ने कुछ नहीं खाया था, छोटी सिस्टर के घर गया हुआ था मेरे हाल से, वहाँ पर जाके रोटी खाई है उसने, तो अभी मैंने उसके लिए चाय रखी हुई है। मैं पूछती हूँ कि रेहान बेटा चाय पीनी है तो चाय पी लो, अगर रेहान चाय शायद पी लेता है फिर मैं फ्री हो जाती हूँ, मुझे सुकून हो जाता है। अभी मैं रेहान से जाके पूछती हूँ कि रेहान ने क्या किया कि क्या नहीं किया। चलते हैं बाहर। आज मैंने ना सोफ़े के कवर भी उतारे थे, तो मैंने ना ये किया सोफ़े का जो कवर थे ऊपर की तरफ नहीं डाले, ये मेरे पास जो चादरें पड़ी थी ना एक्स्ट्रा वो मैंने नीचे की तरफ डाल दी। एक मेरे पास यहाँ पर बेडशीट थी जो या नीचे भी छा दी हुई है चादर थी, जिस तरह की मैंने ये डाल दी है इसके ऊपर, इस तरह यहाँ पर बच्चों ने अभी बैठे हुए थे तो मैंने कहा ये चीज़ गंदी नहीं होगी, ये साफ़ रहेगा, तो मैंने ना इस तरह कर लिया चादर के सोफे के अंदर दे दिया। ये भी इसी तरह से ना बच्चे पता क्या करते हैं, खाते हैं पीते हैं सुपारियाँ वगैरह लेस खाते हैं तो वो सोफ़ों के अंदर डाल देते हैं कचरा। तो रखो यहाँ पे ये सामान मेरे लिए वाटर लेके आ गया, ये देखिए यहाँ पे मैंने बैठना है, जब भी बैठना है तो इसने आ जाना है। यार मेरी मेडिसिन का भी टाइम हो गया था। और ये देखिए जी आपकी आसपा की जो भागी है, आसपा की जो मेरी मेडिसिन है जो कि मैंने अभी खाई नहीं है, ये खाती हूँ, ये मैंने अपने पास ही रखी होती है इधर ही, तो सुबह ने मुझे वाटर भी ला के दे दिया। और यहाँ पे मेडिसिन खाते हैं। और जो सोफे की कवर है आपने मुझे बताना कमेंट में कि जिस तरह मैंने ये किया है सही तरीका है, ऊपर से नहीं करते जा रहे जहाँ पे बैठते हैं बच्चों के वहाँ पे पाँव लगते हैं, क्योंकि ये कि बच्चे वैसे वॉश करके ही आते हैं, जब भी आते हैं वॉश करके ही पाँव आते हैं। रेहान अभी फ्रेश हो रहा था मेरे हाल से, तो फिर मैं गई, फिर मैं आ गई। रेहान यान सुबहान तीनों को ना जो सोफ़े के कवर होते हैं ना ये सेट करने में बड़ी टेंशन होती है, वो हाथ ही नहीं लगाते। बच्चे कहते हैं कि हम कुछ करें ही ना, सारा कुछ मम्मा ही करे। तो मतलब कि ना आज मैं फिर वॉश कर दिए वो वाले, मैंने कहा चलो वो वाले वॉश कर देती हूँ। ये वाले मैंने ना चादर को ना बड़ी चादर थी वो जो नीचे बिछाई हुई ना ब्लू वाली चादर, काफ़ी लंबी थी वो, बहुत बड़ी थी, मैंने ना उसको कट करके ना थोड़ा पीस बना के ना आधा मैंने उसके ऊपर डाल दिया। तो ये तो वैसे पीस, ये बेड शीट ही है एक सिंगल चारपाई की बेड शीट है जो मैंने सोफे पर बिछा दी। ऐसे में मैंने कहा सही लगता, सोफ़ा भी साफ़ सुथरा रहता है, नीचे से गंदा नहीं होगा। अच्छा जी फिर ये है जी मेरी मेडिसिन, जो कि मेडिसिन मेरी ना दो टाइम की होती है, ये मेरी एक टाइम की है, एक टाइम की मैंने सुबह रखी होती है अपने सलोन में, तो वहाँ जाती हूँ तो फिर वहाँ पे खा लेती हूँ। शाम को जब मैंने घर पे आना तो तब मेरी ये वाली मेडिसिन है, ये मैंने डेली लेनी होती है क्योंकि मैं किडनी पेशेंट भी हूँ, तो मेडिसिन डेली है, इसकी छुट्टी कोई नहीं है। अगर मेडिसिन की छुट्टी हो मैंने कर ली तो समझो मेरी छुट्टी हो जानी है, इसलिए ना मैं मेडिसिन नहीं छोड़ती, मेडिसिन मैं प्रॉपर रूटीन से खाती हूँ। ये है जी डेली की मेरी मेडिसिन। ये डेली खानी है, इसकी छुट्टी कोई नहीं है, इसी तरह डेली की रूटीन होती है जो कि आपके साथ शेयर करती हूँ। मेडिसिन तो मैं नहीं दिखाती लेकिन मैं मेडिसिन भी डेली खाती हूँ। इसके पता चल गया, इसे पता चल गया, मैं आके बैठ गई फिर आ गया, कपड़े लेके आया बाइट से, मेरे वाले से सब कपड़े हैं ना जितने भी हैं रूम में भी इधर भी छा देते हैं, ताकि वो मैंने छत पर नहीं डालती हूँ, उड़ जाती ही ने तो भाग गया ना होता है। जाओ समान मामा के जितने भी कपड़े हैं जो वॉश किए हैं मेरे वाले जो है वो सारे ले आ, थोड़े से लेके आया थोड़े और भी लेके आ, ये मैंने सारे रूम में यहाँ पे भी छा देने। अरे हाँ साहब आ चुके हैं, जनाब जनाब हीरा साहब बॉडी बिल्डर साहब, की खाना फिर दसो थोड़े की थोड़ी फरमाइशा पूरी करिए मामा। ले आऊँ बना के शायद मैंने आपकी दोबारा बनानी है, क्योंकि हमने चाय बनाई फिर मैंने तो बकरानी नहीं खाई, आंसू नहीं खाई मैंने और पापा ने चाय पी,
तो मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, ये छोटी सिस्टर के घर गया हुआ था, बड़ा टाइम लगा के आया, मैं इसका ही वेट कर रही थी। मैंने कहा कि हाँ कुछ ला के देना था, फिर मैंने कहा चलो ला देता हूँ। आज उन्होंने यहाँ से बाजार से कुछ मंगवाया ना, आज उन्होंने कुछ बाजार से मंगवाया, और अभी उसे भी आज मशीन लगाई हुई थी, कहती मैंने भी मशीन लगाई हुई है। मशीन जिसने लगा लो ना, तो ये है कि काम तो बड़ा होता है, ऐसे लगता है कि घर भी साफ़ हो गया मशीन लगाने से ना, जगह जगह बड़ा खिलाड़े पड़ जाते हैं मशीन कपड़े ना धोए तो। चलो जी शहजादे के लिए ना कुछ बनाते हैं, चाय बनाती हूँ हीरो के लिए। बाडी बाहर आ रही है, बाडी जिम वगैरह करते स्टार्ट दोबारा करते हैं, अभी जाने यार अभी नहीं जा रहे। चलो कुछ नहीं होता, कोई पतला है तो मोटा नहीं है तो पतला नहीं, वो तो पतला ही है। चलो जी शादी जाने के लिए किचन में जाती हूँ और मज़ेदार सी चाय बना के लेके आती हूँ, कोई पता नहीं मैं भी पी लूँ फिर दोबारा। तो देखती हूँ बाहर, ये बच्चा बाहर बैठा हुआ है, वो वाले कपड़े हैं, ये कंबल है, ये जो भी कवर वगैरह हैं, कुछ कपड़े वहाँ से निकालती हूँ, अभी मेरे ख्याल से डाल देते हैं। कौन सी बारिश होनी है वैसे, बारिश का कोई पता तो कोई नहीं है, तो बस मैंने आगे वेट कर दी। ये बकरियाँ की डिश मंगवाई है, बड़ी मज़ेदार बकरा खानी है, बिल्कुल सही खस्ता वाली है, इसके लिए चाय बनाती हूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये आज काके की चाय और बकरा खानी शहजादे की, और इधर आके काका बैठ गया मम्मा सबके। चलो खाओ, और कपड़े कुछ यहाँ भी सारे बिछा दिए हैं यहाँ पे सोच शेरों पर, तो यहाँ पे हो जाएंगे ड्राई। तो बस यहाँ पे अपनी छोटी सी एक्टिविटी जो आपके साथ शेयर की है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि तमाम मेरी वीडियोस आपके पास आती रहें। खुश रहें, बात रहें, हंसते और मुस्कराते रहें, दुआओं में याद रखें अपना और प्यारे बच्चों का बहुत सारा ख्याल रखें। लव यू मेरी आल फैमिली का, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह सुबह नई गुड मॉर्निंग के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय।